अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज हाउ डू आई लोड अ न्यू लिस्टिंग। हमने एक लिस्टिंग तो बना ली, हमने स्टडी किया कि लिस्टिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, मेन इमेज एंड ब्रांड ब्रांड नेम्स, ऑफर्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह एक लिस्टिंग बन गई। आपने टाइटल डाल लिया, डिस्क्रिप्शन और एवरीथिंग। अब आपने उसको अमेजोन पर लोड कैसे करना है? देर आर नंबरस वेज यू कैन एड प्रोडक्ट टू द अमेजोन कैटलॉग। उन्होंने कहा कि अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट को ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करने का वही मतलब आ रहा है, मतलब कि लिस्ट लगाना, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को एक लिस्टिंग बना के ऐड करते हैं। यू कैन ऐड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑलरेडी सेलिंग। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं मतलब जिनको आप पहले से बेच रहे होते हैं और वो स्टॉक खत्म होता है तो आप नया स्टॉक लेके आते हैं, तो आप उसकी लिस्टिंग करते हैं। होलसेल भी होती है, आर्बिट्रेज भी होते हैं। यू कैन क्रिएट अ ब्रांड न्यू लिस्टिंग। कभी ऐसा होता है कि आपने मतलब कि अपना ब्रांड बनाया और अब आप स्टार्टअप ले रहे हैं और आप ब्रांड न्यू लिस्टिंग बनाते हैं अंडर योर ओन ब्रांड नेम, अपने ही ब्रांड नेम के अंडर। दिस ट्रेनिंग विल फोकस ऑन क्रिएटिंग अ ब्रांड न्यू लिस्टिंग। इस ट्रेनिंग में हम स्टडी करेंगे कि ब्रांड न्यू लिस्टिंग कैसे बनती है, क्योंकि जो होलसेल में होती है ना कि पहले ही प्रोडक्ट्स लगी हुई, आपने जैसे अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है तो उसमें इतना मसला नहीं होता लिस्टिंग में। मेन चीजें, एक एक चीज आती है ब्रांड न्यू लिस्टिंग में कि आप मतलब जीरो से कैसे लगा रहे हैं, और आपने किसी के साथ शेयर तो नहीं की हुई ना लिस्टिंग। होलसेल में ऐसा होता है ना कि 5-6 सेलर्स मिलकर बेच रहे होते हैं या मोर देन 5 और 6, लेकिन पीएल में, प्राइवेट लेबल में, ब्रांड न्यू लिस्टिंग में आप सिर्फ अपनी ही लिस्ट लगाते हैं। सिंगल, एज अ सिंगल आप लिस्ट लगाते हैं तो उसमें आपको कंप्लीटली हर चीज पे फोकस करना होता है। एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट यूजिंग द एड अ प्रोडक्ट फीचर। अब हम किस तरह एक नई प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले नेविगेट टू कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। आपने क्या करना है, आपने सेलर सेंट्रल पर जाना है, उसके बाद आपने ऐड प्रोडक्ट्स के टैब पे जाना है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे दो, उसमें आपने सेलेक्ट करना है कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। अभी मैं अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ, अभी अमेजोन पे नहीं बेचना मुझे, ठीक है? क्योंकि पहले आप लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद आपकी इन्वेंट्री आती है, वो फिर आप लाइव करते हैं, वो बात की बात है। ब्राउज एंड सेलेक्ट द कैटेगरी दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक टू योर प्रोडक्ट। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट को, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करती है। आप कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, इंटर ऑल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हाईलाइटेड इन रेड। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो भी इंटर करेंगे उसको आप रेड कलर में हाईलाइट करेंगे। बेसिक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कौन सी होती है जो कि जरूरी होती है अपनी प्रोडक्ट को, अपने लिस्टिंग को ऐड करते हुए जो आपको चाहिए होती है। यूपीसी, इट इज रिकमेंडेड यू यूज यूपीसी कोड फ्रॉम GS1। GS1 एक वेबसाइट है जहाँ से आपको यूपीसी कोड जो है वो मिल जाते हैं। SKU नेम, दिस इज इफ यू हैव स्पेसिफिक नेमिंग स्ट्रक्चर, अदरवाइज अमेजोन विल असाइन वन फॉर यू। ठीक है, SKU में ये होता है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक नेमिंग स्ट्रक्चर नॉमिनेट करना चाह रहे हैं तो आप ले लें, वरना अमेजोन खुद आपको असाइन कर देता है। फिर टाइटल पीछे पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन हाउ यू कैन यूज अ प्लेस होल्डर टाइटल अंटिल यू आर रेडी टू ऑप्टिमाइज। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हाउ यू कैन यूज अ प्लेस होल्डर डिस्क्रिप्शन अंटिल यू आर रेडी टू ऑप्टिमाइज। मेन इमेज डालते हैं, उन्होंने कहा है कि मेन इमेज में यू कैन यूज अ प्लेस होल्डर इमेज अंटिल यू हैव ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट फोटोग्राफी। उसके बाद मैन्युफैक्चरर का नेम, जिस बंदे ने आपकी प्रोडक्ट को बनाया है, ठीक है, वो हो सकता है कि वो ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चरर नेम सेम ही हो। फिर आप ब्रांड नेम, ठीक है, जो आपके अपनी ब्रांड का नाम है। फुलफिलमेंट, अब आप FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं, ठीक है, ये हम अमेजोन FBA लॉजिस्टिक कोर्स में डिटेल से पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज FBA एंड व्हाट इज FBM एंड विच इज बेटर। उसके बाद है प्राइस, दिस कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड आफ्टर द क्रिएशन। ये भी आप उस वक्त एडजस्ट करते हैं जब आप सारी लिस्टिंग को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी रख दें प्राइस, ठीक है, जब आप लाइव करने लगेंगे अपनी लिस्ट को उस वक्त इसको, जैसे हम YouTube पे होता है ना, तीन ऑप्शन होते हैं, पब्लिक या प्राइवेट या अनलिस्टेड। ठीक है, तो हम मोस्टली हम अनलिस्टेड कर देते हैं या प्राइवेट कर देते हैं, उसके बाद हम पब्लिक करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी लिस्टिंग जब आप बना रहे हैं तो आप पहले एक ड्राफ्ट लिस्टिंग बना रहे हैं, ठीक है, अनलिस्टेड कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको पब्लिक करेंगे, लाइव करेंगे अमेजोन पे। If you are loading a parentage, you will want to add variations, theme and associate the correct attribute to each child in the step required fields are. अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें वेरिएशन हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वेरिएशन लिस्टिंग बनाते हुए ऐड करेंगे, जिसमें आपकी प्रोडक्ट का साइज, कलर, काउंट एटसेट्रा, फिर आपकी प्रोडक्ट की क्या आईडी है,
जिसमें आप एसिन या जीटीआईएन या ईआईएन में से कोई भी एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर सेलेक्ट कर सकते हैं पर चाइल्ड एसिन, ठीक है। हर चाइल्ड पे अलग एसिन लगेगा, मीन्स दैट कि हर वेरिएशन पे। प्रोडक्ट आईडी की टाइप क्या है, आइटम की कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है आपकी, ठीक है। मतलब फिर ये होगा कि हर जो चाइल्ड एसिन है, हर जो वेरिएशन है उस सबकी प्राइस भी चेंज होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर है ना एक, और दूसरी आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हैं, उसका उसका एक ब्लैक कलर में है, एक व्हाइट कलर में है, या कलर का चलो छोड़ो साइज कर लेते हैं। हम शॉप्स भी जाते हैं तो छोटी साइज की जो शर्ट होती है वो सस्ती मिलती है थोड़ी, और जो उससे बड़े साइज की होती है थोड़ी महंगी मिलती है। तो इस तरह क्या हुआ कि पर चाइल्ड एसिन की जो प्राइस है वो भी चेंज हो गई। फिर क्वान्टिटी क्या है, इफ यू आर एफ बी एम, क्वान्टिटी अब तक बताते हैं। अगर आप एफ बी एम कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एडिंग अ प्रोडक्ट टू अमेजोन इज ईजी टू डू। अमेजोन में प्रोडक्ट को ऐड करना बहुत आसान है, ऑल्दो कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम लग सकता है। इफ यू हैव मल्टीपल एसिन, अगर आपके पास एसिन ज्यादा है, यू आर लोडिंग यूजिंग द एड अ प्रोडक्ट टूल, और इसके लिए अगर आपके पास ज्यादा एसिन है तो आप एड अ प्रोडक्ट टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं और वो एक साथ ही आपकी अपलोड हो जाती है सारी। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी अपडेटेड आफ्टर द क्रिएशन, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी होती है जिन्हें हम जो लिस्ट है उसको क्रिएट हो जाने के बाद जाके अपडेट करते हैं, मतलब कि एडिट करते हैं। हाउएवर एसकेयू एंड ब्रांड नेम आर इम्पोर्टेंट आइटम्स टू गेट राइट द फर्स्ट टाइम। उन्होंने कहा कि एसकेयू और ब्रांड नेम बहुत जरूरी होता है, आप पहले ही लिस्ट बनाते ही उसमें ऐड करते हैं। ऑल अदर आइटम्स कैन बी अपडेटेड एंड ऑप्टिमाइज्ड ऑन द रोड, बाकी जो तमाम चीजें हैं वो वक्त के साथ साथ अपडेट होती रहती हैं, ऑप्टिमाइज होती रहती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज के जो भी हमने टॉपिक में बात की के लिस्ट को लोड कैसे करते हैं अमेजोन पे, वो आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।